है कि चाइना ने अपने 10 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। BYD कार कंपनी है, वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम कार मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है। क्या आपको लगता है कि अभी इस तरीके से इंडिया अपनी जो टेरिटरी को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है लद्दाख के मामले में, और इस तरीके से इंटरेस्ट शो किया है इंडिया के साथ बिजनेस करने में, लेकिन इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि हमें किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? 10 बिलियन डॉलर्स रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिसे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। जय हिंद साथियों। साथियों, चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रपोजल भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। इस कंपनी का कहना था कि भारत में $1 बिलियन का निवेश करना चाहती है और आने वाले समय में ये $10 बिलियन का निवेश करेगी, लेकिन यह सब होने के बाद भी भारत ने इस कंपनी को रोक लगा दी। हम बात कर रहे हैं चाइना की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनी BYD की। हाल ही में न्यूज के अनुसार BYD कंपनी का $1 बिलियन का निवेश जो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो चाइना पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन रिसेंटली सुनने में यह आया है कि चाइना ने अपने 10 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। BYD कार कंपनी है, वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम कार मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है क्योंकि चाइना ने कहा था कि अगर हम इंडिया में जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर कार बनाते हैं, तो 40% के जो शेयर्स हैं वो अपने कब्जे में ले लेंगे हम लोग। तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब इंडिया ऑलरेडी वो इस वक्त उनका मईशत काफ़ी मजबूत है और वो उनको मतलब ज़रूरत ही नहीं कि बाहर के इन्वेस्टर्स आ जाए। ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान को है कि बाहर से इन्वेस्टर्स आ जाए, या फिर जो हालात बनी हुई है माशी तौर पर, हालात जो मतलब इंतहाई ख़राब है, फैक्ट्रीज बंद हो रहे और आम आवाम जो है वो इनका सामना कर रहे है। इसमें यहाँ पे जो एक मखसूस तबका है जो पॉलिसी साज है इस मुल्क के। BYD कंपनी का कहना था वह इलेक्ट्रिक कार को बनाकर भारत में बेचना चाहती है, लेकिन साथियों इतना सब होने के बाद भी भारत ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर चाइनीज सरकार का कहना था कि यह भारत सरकार जो है चाइना से भेदभाव कर रही है। यहाँ पर भारत के लोगों का कहना था जो देश भारत का सम्मान नहीं करता उसकी कोई भी कंपनी कोई भी चीज भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या वजह समझते हैं आखिर इंडियन गवर्नमेंट क्यों इतने सख्त किस्म के डिसीजन ले रही है? आपको नहीं लगता कि इंडिया अब इस टाइम पे अपनी टेरिटरी को लेके, खास तौर पे लद्दाख को लेके बहुत सीरियस है चाइना के मामले में, और पाकिस्तान का क्या रोल है बीच? इंडिया तो सिर्फ लद्दाख को नहीं, वहाँ पे तो वो चिकन नेक का भी इशू है, जो उनकी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें भी वो बड़ा सीरियस है। वहाँ पे कुछ रेलवे ट्रैक्स हैं, वो वहाँ पे हमने रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं ताकि उनकी आर्मी की जो ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सके। और अगर हम अपने इश्यूज पे देखें तो पाकिस्तान के बीच में क्या रोल? पाकिस्तान का ये रोल है कि पाकिस्तान ने पहले तो कश्मीर पे ग्राउंड लूज किया है, उसके बाद इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे भी ग्राउंड लूज कर रहे हैं। अब वो पहले कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि हमने कश्मीर लेना है, तो अब कह रहे हैं कि हम कश्मीर तो हमारा था ही, ठीक है, इंडिया वाले अब ये कह रहे हैं हाँ अब हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे और बलूचिस्तान को हम आज़ादी भी दिलवाएंगे। ये अक्सर हमें बात सुनने में आती है, पाकिस्तान इंडिया को आज़ाद हुए, फिर इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंडिया के साथ बिजनेस करना इंडिया की तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि इंडिया ने एक अपना एक विजन बनाया हुआ है कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं। शुरू से जो भी इन्होंने विजन है, अब जब से हमारी इंडिपेंडेंस। तो गाइस आपका क्या ओपिनियन है प्लीज कॉमेंट कीजिए, एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।